त्यात नवीन काही मी म्हटलेलं नाही. जो निदर्शन यात राज्य सहकारी बँकेच्या विषयात मला आणखीन एक म्हणायचं आहे की ज्या वेळेला एखाद्या कारखान्याला ते कर्ज देतात त्याची प्रॉपर्टी जप्त केल्यानंतर सुद्धा काही अमाऊंट शिल्लक राहते आणि अशातून करता करता लॉस होतो, तो लॉस भरून काढण्यासाठी दरवर्षी प्रॉफिटमधला काही भाग द्यायचा असतो. वर्षानुवर्ष प्रॉफिटमधला काही भाग देत गेलं की मग तो जो त्या कारखान्यावर किंवा त्या सुतगिरणीवर राज्य सहकारी बँकेला लॉस असतो तो संपतो. याचा अर्थ त्यावेळेच्या डायरेक्टरांनी कमी मॉर्गेज असताना, गहाणवट कमी असताना जास्त कर्ज दिलं अशी जी मोठी केस सुरू झालेली आहे त्यातून ते मोकळे होत नाही, कारण त्या सूतगिरणी किंवा साखर कारखाना कोणालाही जे लोन दिलेलं असतं गहाणवटीपेक्षा मॉर्गेजपेक्षा जास्त, म्हणजे त्यांच्या प्रॉपर्टीपेक्षा जास्त, तो जो गुन्हा आहे तो शिल्लकच राहतो. बँकेनं वर्षानुवर्ष प्रॉफिटमधून एन पी ए तरतूद म्हणून केली, याचा अर्थ त्यावेळेचे डायरेक्टर त्याची गहाणवट म्हणजे त्याची प्रॉपर्टी कमी असताना जे लोन देतात आणि फेवर करतात त्यातून ते सुटत नाहीत. या सगळ्या प्रोसेस हायकोर्टात चालू आहे. हिंदी में बताना है तो मैंने जो अमित भाई शाह को पत्र लिखा, जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, जरंडेश्वर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के ईडी के कार्रवाई के बाद, उसमें मैंने नया कुछ नहीं कहा है. हाईकोर्ट में गत कई सालों से एक रिट पिटीशन चल रहा है जिसमें रिट पिटीशन करने वाले ने यह कहा कि शुगर फैक्ट्रीज कम कॉस्ट में बेची गई. उसमें दो शुगर फैक्ट्री गडकरी जी के है, लेकिन गडकरी जी ने उसी समय कहा कि जो प्राइस बैंक ने, राज्य सहकारी बैंक ने तय की थी उससे ज़्यादा अमाउंट में मैंने लिए हैं, फिर भी जो इंक्वायरी करने करो वो गडकरी जी ने कहा है. तो इसलिए अभी नया कोई गडकरी जी के कारखाने का विषय नहीं, कुल मिलाकर 50-55 कारखाने ऐसे हैं, शुगर फैक्ट्री ऐसे हैं कि जिनको कम कीमत में लीलाओं में बेचा गया जिसमें राज्य सहकारी बैंक का नुकसान हुआ, और वही कारखाने वही शुगर फैक्ट्री बाद में अलग बैंकों में 10-10 गुना ज़्यादा लोन लिए. इस प्रकार से तो गडकरी ने कुछ किया नहीं, लेकिन गडकरी जी ने कहा है कि जो इंक्वायरी सबकी होगी वो मेरी होगी. तो मुझे लगता है कि बराबर 52-53 कारखानों में से दो गडकरी जी के कारखाने निकालना और टीवी पर चलाना ये अपना अपराध छुपाने का प्रयत्न है. देवेंद्र जी ने जो कहा कि शिवसेना बीजेपी दुश्मन नहीं, ये तो 100% बराबर. इसका अर्थ यह नहीं होता कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे. लेकिन सर,